नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके झड़ते बाल से निजात पाने के लिए आपके लिए एक घरेलू नुस्खा लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भी अपने झड़ते बालों से परेशान हैं, तो चावल की मदद से आप अपने बालों को स्वस्थ, घना और शाइनिंग बना सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये चावल की मदद से कैसे, तो चलिए चलते हैं, आपको बताता हूँ। देखिए, हर कोई चाहता है कि उसके बाल हमेशा काले रहें और घने रहें। इसके लिए लोग कई तरह के तरीकों को आजमाते हैं, जो कभी कामयाब तो हो जाते हैं, कभी नहीं हो पाते हैं। ऐसे में अगर आप कुछ घरेलू नुस्खे अपनाएं, तो अपने बालों में निखार और चमक ला सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मेरा टारगेट यही है कि आपको उस नुस्खे से रूबरू कराना है जिसको कोई नहीं जानता और आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए, बालों के लिए कई तरह के नुस्खे सुने होंगे आपने, लेकिन चावल के पानी का बालों पर प्रयोग करना शायद ही आपने सुना होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि एक गिलास चावल का पानी आपके बालों की खूबसूरती को बढ़ा सकता है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे आसानी से घर में ही बनाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने चावलों को पानी में डालकर रख दिया था रात भर के लिए। फिर सुबह उस पानी को मैंने छान लिया और छलनी की हेल्प से, यानी कि छलनी की हेल्प से पानी अलग कर लिया और चावल अलग कर दिए। तो चावलों को तो हम खाने में यूज कर लेंगे, चावल बना लेना आप खाने के लिए, और जो पानी है उससे हम बालों को धोएंगे। तो यही नुस्खा मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि चावल के पानी से आप अपने बालों को सिल्की शाइनी बना सकते हैं और अपने झड़ते हुए बालों को रोक सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। तो देखिए, हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ रात भर चावल को भिगो के पानी में रख देना है और सुबह छान कर पानी को अलग कर लेना है और चावलों को अलग। चावल को फेंकना नहीं है, चावलों को खाने में यूज हो जाएगा। देखिए, चावल के पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। चावल के पानी में काफ़ी मात्रा में विटामिन B, विटामिन C और विटामिन E होता है, जो हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। चावल के पानी में अमीनो एसिड मौजूद होता है, जो हमारे बालों को बढ़ाने का काम करता है और हमारे बालों की जड़ों की समस्या को खत्म कर देता है। आप बाल धोने के बाद चावल का पानी अपने बालों पर लगा सकते हैं। आप अगर इसको हफ्ते में करीब 2 से 3 बार चावल के पानी से अपने बालों पर लगाएं, तो आपके बाल भी काफ़ी घने और लंबे होना स्टार्ट हो जाएंगे। चावल के पानी में प्रोटीन होता है, जिसकी मदद से आपके बाल स्वस्थ रहते हैं। आप चावल के पानी को अपने बालों में करीब 30 मिनट तक लगा रहने दीजिए। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार लगाकर अपने बालों को स्वस्थ कर सकते हैं, लंबा और घना कर सकते हैं। अगर आपके बाल दो मुहे हो गए हैं, बालों में समस्या है, स्किन में जलन होती है आपके, या रूसी हो गई है, डेंड्रफ हो गया, तो बालों से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए चावल का पानी बेस्ट है। देखिए, इस तरह के नुस्खे आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको इस वीडियो में आपके लिए नुस्खे लेकर आता हूँ। मैं बहुत स्टडी करने के बाद और इन नुस्खों को अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए, मेरे द्वारा बताए गए नुस्खे ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक होते हैं और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ यार मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में जाके कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। और भी ढेर सारे नए नए नुस्खे मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।